नमस्ते, हमारा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की ट्यूटोरियल में हम HTML फॉन्ट्स के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे HTML फॉन्ट्स क्या होते हैं। HTML फॉन्ट्स आपकी वेब पेज की कंटेंट को यूज़र फ्रेंडली और रीडेबल बनाता है। इन फॉन्ट्स को यूज़ करके आप अपनी वेब पेज का कंटेंट की फॉन्ट साइज और फॉन्ट कलर और फॉन्ट फेस सेट कर सकते हैं। HTML फॉन्ट्स को आपकी वेब पेज में यूज़ करने के लिए आपको फॉन्ट टैग को यूज़ करना होगा। इसे यूज़ करके आप अपनी वेब पेज का कंटेंट की फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर और फॉन्ट फेस सेट कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा एक नॉर्मल सा वेब पेज है। यहाँ पे हम फॉन्ट टैग्स को यूज़ करेंगे। तो फॉन्ट टैग को आप इंडिविजुअली लिख सकते हैं। फॉन्ट टैग यहाँ पे कुछ टेक्स्ट दे सकते हैं आप। एग्जाम्पल देखिए, हमारा इंडिविजुअल टेक्स्ट आ गया। और इसको आप H1 के अंदर व या कोई भी टैग के अंदर लिख सकते हैं। आप कोई भी टैग के अंदर आप लिख सकते हैं इसको। अगर आप चाहते हैं तो हेलो को फॉन्ट टैग के अंदर लिखना है तो हेलो भी हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए कुछ भी चेंजेस नहीं आया है, क्योंकि हमने ये फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट्स को यूज़ नहीं करा है। यहाँ पे एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। HTML फॉन्ट्स में सिर्फ तीन ही एट्रीब्यूट हैं। चलिए उन एट्रीब्यूट के बारे में जानते हैं। पहला है साइज एट्रीब्यूट। इस एट्रीब्यूट को यूज़ करके आप कोई भी कंटेंट का फॉन्ट साइज सेट कर सकते हैं। इसके हाईएस्ट वैल्यू 7 है और लोएस्ट वैल्यू 1 है, और इसके डिफ़ॉल्ट वैल्यू 3 है। चलिए ये एट्रीब्यूट कैसे काम करता है उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने एक डिफ़ॉल्ट सा फॉन्ट बनाया था। यहाँ पे हम पहले साइज एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम साइज एट्रीब्यूट लगाते हैं। साइज साइज यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 3 और मैक्सिमम वैल्यू है 7 और लोएस्ट वैल्यू है 1। तो 1 देंगे पहले। देखिए डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट था उससे थोड़ा सा छोटा हो गया। देखिए 1 है ये, और 7 देने से बड़ा हो जाएगा। ये मैक्सिमम फॉन्ट साइज है। यहाँ पे आप और एक तरह से भी लिख सकते हैं, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू था 3 उससे हम चाहते हैं उससे प्लस 2 हो जाए, मतलब 5 हो जाएगा। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 3 था उससे 2 बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 आ गया। दूसरा है फेस एट्रीब्यूट। इस एट्रीब्यूट को यूज़ करके आप कोई भी कंटेंट का फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट फेस को चेंज कर सकते हैं। चलिए ये एट्रीब्यूट कैसे काम करता है उसको देखते हैं। देखिए, हम यहाँ पे साइज लगाए थे, यहाँ पे फिर लगाएंगे फेस। फेस लगाने के बाद यहाँ पे फेस लगाने से कुछ नहीं होगा। देखिए फेस में हम वैल्यू देंगे। वैल्यू जो सिस्टम फॉन्ट्स होते हैं, कई तरह के सिस्टम आपकी कंप्यूटर में जो सिस्टम फॉन्ट्स इंस्टॉल्ड है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कार्सिव यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये टेक्स्ट चेंज हो गया। टेक्स्ट का फैमिली देने से ये टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो गया। देखिए ये हेलो को भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको कॉपी करके अब यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखिए ये हेलो का टेक्स्ट चेंज हुआ है, लेकिन वर्ल्ड का टेक्स्ट नहीं चेंज हुआ है, क्योंकि हमने वर्ल्ड को फॉन्ट टैग के अंदर नहीं डाला है, सिर्फ हेलो को डाला था। तीसरा है कलर एट्रीब्यूट। इस एट्रीब्यूट के यूज़ करके आप कोई भी कंटेंट में फॉन्ट कलर और टेक्स्ट कलर ऐड कर सकते हैं। चलिए ये एट्रीब्यूट कैसे काम करता है वो देखते हैं। देखिए ये हमारा फॉन्ट एट्रीब्यूट है। यहाँ पे हम कलर लगाएंगे। तो यहाँ पे कलर लगाने के लिए आपको कलर एट्रीब्यूट यूज़ करने होगा। फिर इसके वैल्यू के रूप में आप कोई भी कलर नेम या हेक्स कोड्स और RGB वैल्यूज को भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम रेड लिखेंगे। देखिए ये टेक्स्ट का कलर रेड हो गया। ऐसे आप कोई भी हेक्स कोड्स लिख सकते हैं, जैसे FF40। देखिए हमने रेड का वैल्यू दिया था, रेड हो गया। ऐसे आप ये हेलो को भी चेंज कर सकते हैं। इसको भी यहाँ पे दे दीजिए कलर और रेड दे दीजिए। देखिए रेड कलर हो गया।